खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां कुदरंकी क्षेत्र के गांव डोमघर लक्ष्मी शुगर मिल बिलारी सेंटर में बुधवार को पूजा अर्चना के बाद गन्ना डालकर शुभारंभ किया गया और सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इसके बाद अतिथियों ने चैन में गन्ना छोड़कर डोमघर लक्ष्मी शुगर मिल सेंटर का आगाज किया। इस अवसर पर सेंटर पर बैल बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लाने वाले किसानों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। बता दें, इस मौके पर तराई किसान संगठन प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री ने गन्ने पर 25 रुपए का मूल्य बढ़ाया है वह कोई मूल्य नहीं है। इसमें किसान अपनी ठगी महसूस कर रहा है और किसान के गन्ने का मूल्य 500 होना चाहिए, किसानों की लागत तक पूरी नहीं हो पा रही है, यही किसानों ने मांग की है। इस मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मेरे वाले से पटवाला करती है वैसे खेस के। और आज ये कुंदरकी क्षेत्र में गन्ना सेंटर का उद्घाटन हुआ है, कि कहाँ पर स्थित है, क्या इसका पूरा? ये गन्ना सेंटर ग्राम डोमघर में स्थित है। ये डोमघर ए के नाम से सेंटर है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सेंटर है। बिलारी राणा शुगर लक्ष्मी शुगर मिल के अंडर में ये आता है। जिस पर गन्ने की तोल ली जाती है, किस आधार पर तोल ली जाती है? और ये गन्ने की तोल सोसाइटी द्वारा जो पर्ची किसानों की आती है उसी आधार पर गन्ने की तोल होती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गन्ने पर 25 रुपये बढ़ाए हैं, ये तो ऐसे मान लो जैसे एक ऊँट के मुंह में जीरा। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। गन्ने का रेट 500 रुपये होना चाहिए, किसानों की यही मांग है और लागत भी किसानों की पूरी वापस नहीं आ रही है। 25 रुपये बढ़ाना कोई, ये तो किसानों के साथ ठगी है। आप ये गन्ना सेंटर के मामले में क्या बात कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो यहाँ का ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं भूज राजा मेरा नाम है। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा किसी भी किसान को सुविधा असुविधा ना हो।